कहते हैं कि यमुना के उत्तरी तट स्थित कंस किला ही कंस का महल हुआ करता था। इस किले की विशाल दीवारें यमुना जल की लहरों से शहर को बचाती थीं। बाद में कंस किले पर ही महाराजा सवाई जयसिंह ने ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला का निर्माण कराया था। खंडहर हो चुका यह किला आज भी शहर की पहचान है। कहते हैं कि मथुरा में यमुना नदी के उत्तरी तट पर बने कंस किले में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। किले का स्वरूप बताता है कि कभी यह भव्य और विशाल हुआ करता था। विशाल क्षेत्र में पहले इस किले की दीवार काफी लंबी और चौड़ी है। दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इन्हें तोड़ पाना संभव नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से कई रास्ते इस तरह बनाए गए जो भूमिगत होकर यमुना में निकल जाते हैं। माना जाता है कि इन्हीं रास्तों का प्रयोग कंस और कंस के परिवार वाले यमुना तक पहुंचने में किया करते होंगे, लेकिन उचित देखरेख न हो पाने से कंस किले के पीछे की दीवार के आसपास की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण होने लगी थी। साथ ही यमुना किनारे जहां सुंदर दृश्य होने चाहिए थे, वहां गंदगी के ढेर मानो जनमानस को चुनौतियां दे रहे हों। इस जगह का कुछ नहीं हो सकता। पुराने चित्रों में आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना मिशन की दृढ़ इच्छा शक्ति ने यमुना शुद्धिकरण की पहल करते हुए वर्ष 2015 में अपनी आरंभिक यात्रा में ही एक महत्वपूर्ण स्थान की कायाकल्प करने की ठान ली थी, और जिसका सफल परिणाम अब आप इन चित्रों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।